हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्याज वाली भिंडी की रेसिपी, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपनी प्याज वाली भिंडी कैसे बनाते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि ऐसी ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ मैंने अपनी भिंडी को लंबा लंबा काट लिया है और अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं अपनी भिंडी की तैयारियाँ शुरू करती हूँ। प्याज वाली भिंडी बनाने के लिए यहाँ मैं कनौडिया का सरसों का तेल यूज़ करूँगी। भिंडी आप सरसों के तेल में बनाइए, बहुत ही अच्छी भिंडी बनेगी आपकी और स्वाद भी डिफरेंट सा आएगा। अपने सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, यहाँ हम ऐड करेंगे हींग। हींग जो कि हमारे खाने को बहुत ही ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट करता है, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ MDH का हींग। भिंडी को और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन के दाने, जिसको हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे हमारे रफली चॉप किए हुए अनियन। इसको हम अच्छे से स्टर करेंगे। प्याज को हमें गलाना नहीं है, सिर्फ उसका थोड़ा सा करारापन जो है वो ख़त्म करना है। बिल्कुल गला के भिंडी का स्वाद ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप सिर्फ इसका थोड़ा सा करारापन निकाल के ही भिंडी ऐड कर लें। अब इसमें हम थोड़े से अपने बेसिक स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और हमारा अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। दैट्स इट। इससे ज़्यादा स्पाइसेस की हमें ज़रूरत नहीं रहती है हमारी प्याज वाली भिंडी बनाने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी प्याज ऑलमोस्ट तैयार है भिंडी ऐड करने के लिए, इसलिए अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी कटी हुई भिंडी और इसको प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितने सुंदर कलर के साथ हमारी भिंडी जो है वो अनियन के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हम इसको ढक देंगे और इसके ऊपर रख देंगे एक कटोरी के अंदर पानी, जिससे कि हमारी भिंडी के अंदर मॉइस्चर बना रहे और वो हमारी जो पैन से है वो लगकर जले नहीं, नहीं तो हमारी भिंडी में जलेपन का टेस्ट आ जाएगा और हमारी भिंडी देखने में और खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगी। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही कुक होने देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारी भिंडी में और बिल्कुल अच्छे से गल भी गई है। तो यहाँ मेरी प्याज वाली भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि ऐसी ही नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और आप भी उस रेसिपी को ट्राई कर सकें।